जो तुमको ना शादी अब करा लेना चाहिए, बहुत जरूरी है शादी कराना, पता है? क्या बोल रहे हो? ये अन्य तो धुतिया तो अन्य फिर। वाह भाई क्या डर है, ये डर ना हर एक बंदे के बात तो सही है दोस्तों, हर एक बंदे के शरीर में ये डर जरूर होना चाहिए यार, शादी करेगा तो फिर धुतियाँ धोना पड़ेगा। जैसे हमारे भाई साहब बोल रहे हैं, धुतियाँ तो धोना पड़ेगा मेरी जान। तो दोस्तों ये बीड़ी बड़ी मीठी है यार, ये लगा बीड़ी का बहुत बड़ा झाड़ है, वहीं से अब भी चुराया हूँ। हाँ देखो दोस्तों, हमारा भतीजा कुछ बोल रहा है। कहा दे अब उधर तोड़ नहीं लेते, इतना बड़ा झाड़ लगा है। देखिए दोस्तों कुछ बोल रहा है ये अपनी भाषा में। मार कह रहा है बे, कहे इतना बड़ा झाड़ लगा जाके तोड़ ले। कितने दिन से आप तुम नहा रहे हो राजू? कितने दिन से नहा रहे हो तुम? कितने दिन से नहा रहे हो राजू तुम? राजू कितने दिन से तुम नहा रहे हो? देखिए दोस्तों ये बंदा जो है 6 महीने के बाद आज नहा रहा है, और वो भी बोल रहा है कि मेरी वीडियो मत बना, मैं पानी वगैरह भी डाल रहा है। तभी मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई तू शादी करा ले, कम से कम हमको बारात जाने को मिल जाएगा और तेरा भी खांचा मिल जाएगा कम से कम, है कि नहीं राजू? हमारे घर पर कोई आया है शायद कुछ खरीदने के लिए। दादा भाई हिसाब लगाए 16 किलो का। 16 किलो से कितना है? नहीं 8 किलो। 8 किलो का ही 16 रुपये के हिसाब से। अच्छा 120 बता दो। हमारी मम्मी ने सब कापी किताब हमारी बेच दी है यार, देख सकते हैं। ये सिस्टर बैठी है, ये रही मम्मी, सब कापी किताब भैया को बेच दिए। समथिंग वही 60 किलो के समथिंग रहा है, सब बेच दिए हैं। और ये भैया रहे खरीदने वाले, और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। ये टोपी कौन सी स्टाइल की लगाए हो यार? एक ये है। कहाँ से ली हो इतनी अच्छी टोपी? एक ये रही छोटी सी गुड़िया, इसका नाम सचिन है, इसका नाम नहीं पता, इसका नाम नहीं पता चला। तो अब ये सब नजारा देखने के लिए हमारे मोहल्ले की चाची आ चुकी हैं। और ये देखिए, नहीं पता क्या देख रही है अब चाची, तुमको ये दिखा रहा है। हाँ पेले दे रहे अम्मा। चलो दोस्तों थोड़ा सा गाड़ी को हम पेल दें यार। दोस्तों हमने गाड़ी को पेल दिया है, और भी आप दिखाते हैं आप लोगों को ब्लॉग। अब हमारे बड़े पापा आ रहे हैं टहलते टहलते, चड्ढा पहन के नहीं पता कहाँ गए थे टहलने के लिए, ये आ रहे हैं। ये रहे देखिए दोस्तों, ये कनकी में बदल के ये प्लास्टिक का टप लिए हैं। वाह वाह, नहीं नहीं वाह, तुम काहे मुस्कुराते हुए आ रहे हो बड़े भाई? SSS सूर्य सिंह सिंगम, यही तुम्हारा नाम है ना? अच्छा अब आ रहा है मिस्टर आदर्श रजक, कुछ बोल। कहाँ जा रहे बड़े भाई? ये क्या बिल्कुल कैसी दाढ़ी कटाए हो, चूतिया लग रहे हो एक नंबर की, हैं? क्या है ये इतना सही है क्या? ये है क्या इतना सही? दिख रहा होगा क्या ये? दिख रहा है। क्या दिख रहा है बताओ ना मेरे को, विस्तार से समझाओ। मोबाइल वाइल का ऐसा काम है, नहीं का मनी है। हाँ मैं ठीक तो है वैसे, मका क्या वीडियो बनो ये को कमरा है। पुताई करने तो है, पुताई तुम ही करने है ना, तो वीडियो बना रहे हैं। कहे के लिए वीडियो बना रहे? चल पहले सब उठाए सामान, देख सब कापी किताब बेच दिए, पूरी बिक गई ये डब्बा में जो सामान बचे रखा जाने बस ही का। हाँ तो पहुंचो, देख कितना सारा पेंट टेंट इसमें गिर गया है। खाना मेरे को ही दो, चलो यार। दोस्तों हमारे एक साथ का एक और बंदा था,
नितिन पटेल, वो पता नहीं कहाँ है आज। चलो उसके आज घर चलते हैं, देखते हैं ककर रहा बंदा अकेले अकेले, हमको बताया तक नहीं है। चला सौरभ, चलो 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 वहाँ है उसका घर, चलो चलो चलते हैं। चलो दोस्तों, इस साइड है नितिन पटेल का घर और ये अपना भतीजा कर कर रहा है, ये मट्टी साथ खेल रहा है। देखो दिखाते हैं आपको। बउआ क्या कर रहे हो, कर कर रहे हो तुम ये? अबे मेरे ऊपर कहीं डाल रहा है ये, अरे मत डाल भाई मत डाल, कहे परेशान कर रहा है यार। हाय बोल दो, हाय हाय बोलो, हाय बोल दो। ये का है, ये का है, ये का है, बंदर की जैसे उछल रहा है तू। चलो दोस्तों, ये तो बंदर है ही, अपन चलते हैं नितिन के यहाँ। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं नितिन के घर पे। बाबू नूतन कहाँ है, अंदर कहाँ पे? चलो अंदर है। दोस्तों दोस्तों ये बाबू हैं, तो अपन चलते हैं नितिन के घर पे। ये नितिन का रूम है। ओ भाई क्या, है? क्या कर रहे हो तुम है? क्या कर रहे हो तुम ये? देख ले, पहले यही से इधर आ गए। अपने भी दिखा दे। मंगी तो उड़ के सो रही, बिल्कुल कैसे सो रहे थे? उड़ के सो रहे थे भाई, उड़ के कौन सोता है यार, ये तो पापा की परी बना है और तुम तो उड़ते हुए सो रहे हो। मैं ये बता रहा हूँ, देखिए दोस्तों लगता है ये यहाँ पर सो रहा था, धूप में इसको इतनी ज्यादा ठंडी लग रही थी तो उड़ के सो रहा था। ये हम लोग के यहाँ ठंडी आ चुकी है, तो दोस्तों हमारे यहाँ पर ठंडी आ चुकी है, ऐसा है भाई साहब का कहना है मिस्टर सौरभ का। सो रहा था ये, अच्छा इसीलिए उड़ के सो रहे थे। मैं बता रहा हूँ, फोन में मतलब फोन की बैटनेस कम, बैटरी नहीं थी इसलिए बैटनेस कम करके दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए देख रहे थे। ओ हो, कौन सी वीडियो देख रहे थे? हम सब समझते हैं नितिन, इंस्टाग्राम। अच्छा तो चले फिर कहीं घूमने। चलो हाँ पहन लो, पहन लो, इंसान जैसे बन जाओ थोड़ा। आज कुछ कहना चाहोगे तुम? रग्गो धुली है, कहाँ रग्गो? ओ भाई मतलब राज भैया की गाड़ी का नाम है रग्गो, वाह क्या ही रग्गो है भाई इनकी, तो आज काफी चमक रही है देख सकते हैं आप। चलो दोस्तों अपन लोग चलते हैं अब। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर इतनी तेज बारिश हुई नाइट पे कि हमारे यहाँ की नदी क्या है, पानी पूरा गंदा हो गया। ये देखो दोस्तों, ये पूरा पानी साला गंदा हो गया यार। हम लोग सोचे रहे कि कल या परसों के दिन यहाँ पर नहाने को आएंगे, तो पूरा पानी यहाँ पर गंदा हो गया और पानी भी थोड़ा सा तेज हो गया है। दरअसल देख देख देखिए दोस्तों, आप लोगों को दिखाता हूँ दोस्तों, रुक जाना। ये देखिए दोस्तों, पानी बहुत ज़्यादा थोड़ा सा तेज हो गया है और तो हम लोग पहुंच चुके हैं अजय रजक की दुकान पे। ये अजय रजक दुकान उकान चलाते हैं, दिन भर नहीं पता किस लड़की से बात करते हैं रहते हैं दोस्तों, नहीं पता। देखते देखिए, इतने मतलब बदनाम होने के बाद में भी तो भी अभी हंस रहे हैं। देखिए इनकी मुस्की का राज, ये इनका मोबाइल है ये। और एक चीज इनकी दुकान का समझ में नहीं आया मेरे को, जब एक गेट था तो दूसरा गेट क्यों बनवाया गया है, मेरे यही बात समझ में नहीं आया अभी तक। और भेजा भैया देखिए क्या गजब का लोअर पहनते हुए, आप देख रहे हैं देख सकते हैं, ये टोपी भैया देख सकते हैं, ये बात। और ये रहे मिस्टर अंशु, क्या शर्मा रहा है भाई, सनखे का है वो इतना ज्यादा, कच्ची की कोई कमी है क्या? कमी है ना, कच्ची कमी है। संपर्क करो अज्जू से,